तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1817 से पूर्व जन असंतोष। इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ पे विद्रोह हुए वो पढ़ेंगे। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह है 1817 से 1820। ये किस कारण हुआ? ये हुआ तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। जो तीर्थ स्थान थे वहाँ पर तीर्थ यात्रियों की यात्रा के कारण प्रतिबंध लगा दिए। दूसरा है बंगाल में अकाल के कारण त्रस्त जनता, जो तनता जो दुर्भिक्ष पड़ा था उसके कारण जनता त्रस्त हो गई थी। उनके खाने पीने के नहीं तथा बड़ी मात्रा में तथा भूखमरी के कारण जनता मारी जा रही थी। इस कारण हिंदू नागा तथा गिरी सन्यासी ने इनके खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये जो अवध का नवाब था, निजाम था हैदराबाद का तथा मराठा तथा राजपूतों का अधीन, ये सैनिक थे, इसलिए ये शस्त्र चलाने में परिपूर्ण थे तथा निपुण थे। नेक्स्ट है, इन्होंने शस्त्र विद्रोह किया था तथा अंग्रेजों ने दमनात्मक कार्रवाई करके इस विद्रोह को दबा दिया था। इसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का दर्शन मिला। इसको फकीर विद्रोह भी कहा जाता है। हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया तथा उनके विरुद्ध विद्रोह किया था। ये बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय था, उसने जो उपन्यास था आनंद मंट उसमें इसका वर्णन किया हुआ है तथा इसमें मजरूम शाह, चिराग अली, देवी चौधरानी तथा भवानी पाठक ये नामक दो महिलाएं थी। इस प्रकार इस आंदोलन में जो ये विद्रोह था उसमें महिलाओं की भूमिका रही है। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय था उसका एक आनंद मठ हो गया, और दूसरा है देवी चौधरानी नाम से भी एक उपन्यास है। मैप में देखे तो ये बंगाल यहाँ पे पड़ता अपना, और ये यहाँ पे सन्यासी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है मिदनापुर एवं दालभूम विद्रोह। ये विद्रोह खासकर जमींदारों का था। हमने एक वीडियो में ये भी चर्चा किया है कि जो इस टाइप बंदोबस्त है उस कारण जमींदार थे वो मजबूत हुए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1760 में मिदनापुर में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। जब कब्जा किया वहाँ पे कम से कम 3000 जमींदार तथा तालुकादार थे तथा जो किसान जो रैत बोला जाता है उसको जमींदारों के बीच में अच्छे संबंध थे। वो कभी उनके वो झगड़ा नहीं होता था, लगान को लेके कम ज़्यादा का नहीं होता था, अच्छे संबंध थे। लेकिन जब 1772 में राजस्व व्यवस्था को लागू किया जिसके कारण जमींदार थे उनको बेदखल कर दिया उनकी जमींदारी से। इसके कारण जगन्नाथ ढाल तथा दामोदर सिंह के नेतृत्व में जो जमींदार थे उनके नेतृत्व में विद्रोह किया गया। विद्रोह का इलाका था मिदनापुर, मानभूम, दालभूम, ये भी एक क्षेत्र था दालभूम तथा रायपुर में विद्रोह हुआ। किनके नेतृत्व में? जगन्नाथ ढाल तथा दामोदर सिंह के। तो इस प्रकार ये था दो, नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे जो 1857 से पूर्व के जो जन असंतोष है उनके बारे में।